वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास टेंथ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी एक आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों, एक कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड यानी एन और एस के बीच में रखा गया है, ठीक है। यानी एक कंडक्टर को, इसकी लेंथ क्या बच्चों, एल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है। इस कंडक्टर पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसकी वैल्यू होती है एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये फोर्स का फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों पहिया देखिए, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इन ए वायर इज वीव्ड इन द कॉन्वेंशन करंट सेंस ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग टू द राइट इट सीन दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर इज अपवर्डेड बाय द राइट हैंड रूल। देखिए जब हम कंडक्टर में आई करंट फ्लो करते हैं तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इसमें ऊपर की ओर अपवर्डेड ऊपर की ओर एक फोर्स लगने लगता है। कितना फोर्स लगता है, यहाँ लिखा हुआ बच्चों आपके सामने, द अपवर्ड फोर्स ऑन द वायर इज गिवन बाय एफ इक्वल टू आई एल बी। जो फोर्स होगा वो होगा बच्चों आई एल बी, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ वायर। एल क्या बच्चों, लेंथ ऑफ वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये आई क्या होगा, करंट होगा। बी क्या होगा बच्चों, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ दिखाई दे रहा होगा बच्चों, व्हेन द करंट इज वीव्ड एज इलेक्ट्रॉन मूविंग टू द एग्जैक्टली लेफ्ट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन। जब हम लोग करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तब भी क्या मिलता है बच्चों को, सेम रिजल्ट मिलता है। यहाँ देखिए करंट डायरेक्शन क्या बच्चों, लेफ्ट टू राइट है, तो यहाँ क्या बच्चों आपका राइट से लेफ्ट की ओर है। फोर्स क्या है बच्चों, आपका ऊपर की ओर ही है, अपवर्डेड है, यानी करंट डायरेक्शन चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक। तो यह फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं इसका। तो बच्चों हम फॉर्मूला डायरेक्शन करते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर लिया, ठीक। इसकी इंटेंसिटी है बी, इसके अंदर हमने बच्चों एक एल लेंथ का कंडक्टर रख दिया। कितनी लेंथ है बच्चों इसकी, एल लेंथ, और इसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। अब इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल है थीटा, ठीक। जो अभी हमने इस डायग्राम में ड्रॉ किया है वही हम यहां लिखेंगे, लेट ए करंट आई इज फ्लो इन द एल लेंथ कंडक्टर इज एंड इट इज प्लेस्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद थीटा एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड, ये जो हमने अब डायग्राम ड्रॉ किया वो हमने लिख लिया यहाँ पर इसमें। अब आगे हम लिखेंगे द फोर्स एक्ट ऑन द कंडक्टर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट देखिए, जितनी ज़्यादा करंट फ्लो होगा इसमें, इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा। तो हम कह सकते हैं फोर्स इज डायरेक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बच्चों आपकी? बी। यानी हम कह सकते हैं एफ प्रोपोर्शनल टू बी। इक्वेशन वन बन गई बच्चों आपकी। ऐसे ही आप लिखोगे सेकंड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो एफ प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों आई के, सेकंड इक्वेशन। आगे आप लिखोगे थर्ड, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो एफ प्रोपोर्शनल एल, इक्वेशन थर्ड। अब फोर्थ को समझिए बच्चों, इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा। ठीक, तो ये होगा एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गई फोर। तो आप लिखेंगे बच्चों यहां पर बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जो ऊपर की चार इक्वेशन बनाई है हमने उनको डायरेक्टली जोड़ दिया जाए। एफ प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा, एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तब क्या करेंगे बच्चों, प्रोपोर्शन उठाएंगे, कॉन्स्टेंट लगाएंगे। तो एफ इज इक्वल टू के आई बी एल साइन थीटा। अब हम लिखेंगे वेयर के इज कॉन्स्टेंट इन एस आई सिस्टम एंड के इक्वल टू वन। तो के की वैल्यू क्या होगी इसमें, कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका आई बी एल साइन थीटा। ये बच्चों फॉर्मूला डेराइव हो गया आपका। और बच्चों इसकी यूनिट होती है फोर्स की,
न्यूटन, क्या होती है न्यूटन। ठीक ओके, आज के लिए इतना ही।